Dear students, assalamu alaikum and welcome. Hope you are doing well. Okay, dear students, our today's topic is the Sangha and monasteries. The Sangha and monasteries is our today's topic for your social science class. Dear students, Buddha and Mahavira said that to know more about the world, people should leave their homes. So they stayed as a group called Sangha away from the big cities and villages. So what's a Sangha? Sangha is actually a group of people belonging to Jainism or Buddhism. These people who lived in groups away from the cities and villages, they named it Sangha. प्यारे बच्चों, बुद्धा और महावीरा की तालीमात के मुताबिक दुनिया के बारे में आदमी को ज़्यादा जानकारी तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने घर बार को छोड़ के ना जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना घर बार छोड़ के आबादी से दूर, लोगों से अलग थलग जाके रह ले, तभी उसको इस बारे में जानकारी और इल्म हासिल हो सकता है। तो इसके लिए इन लोगों ने ये तरीका निकाला कि ये ग्रुप्स की शक्ल में आबादी और बस्ती और शहरों या गांवों से दूर जाकर कहीं रहते थे। ये जो इनका छोटा सा ग्रुप होता था, इसको ये संघा कहते थे। तो ये संघा में रहते थे, यानी इसी ग्रुप में रहते थे। मुख्तलिफ ग्रुप्स, कहीं कोई ग्रुप, कहीं कोई ग्रुप। तो ये आबादी से दूर किसी जंगल में या किसी वीराने में अलग थलग ये रहा करते थे। तो इस ग्रुप को ये संघा कहते थे। प्यारे बच्चों, ये जो रूलर्स रूल्स थे बुद्धिज्म के, द रूल्स फॉर द बुद्धिस्ट संघा वायर रिटन इन ए बुक विच सेज दैट देयर वायर सेपरेट sections for men and women. The rules for the Buddhist Sangha were written in a book which says that there were separate sections for men and women. ये जो संघास होते थे, इसमें मर्दों के लिए, for men, males के लिए अलग group होता था और females के लिए अलग group होता था। ये अलग sections में रहते थे, अलग ग्रुप इनके होते थे, अलग इनके संघ होते थे। पीपल हु ज्वाइनड द संघा लिव्ड सिंपल लाइव्स, दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, दे वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड। नाउ देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ देयर लिविंग, देयर ईटिंग, देयर फूड। सो फॉर दैट पर्पस दे यूज्ड टू वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस एंड बेग फॉर फूड। ये लोग गांवों और शहरों में भीख मांगते थे और वहाँ से ये खाने पीने की चीज़ें उस तरह से हासिल करते थे, भीख मांग के। एवरी वन वॉज अलाउड टू ज्वाइन द संघा। अब संघा में ज्वाइन करने के लिए, दाखिल होने के लिए हर किसी को आज़ादी थी, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता था। एनी वन और एवरी वन वॉज अलाउड to join the Sangha. Those who joined were Brahmins, Kshatriyas, traders, laborers, barbers, dancers, slaves, etc. So all kinds of people from all sections of the society could join the Sangha. They all helped each other. While in the Sangha, they helped each other. They had meetings to settle and dispute
दे हैड मीटिंग्स टू सेटल एनी डिस्प्यूट विच टू प्लेस इन साइड द संघा. अगर संघा में कभी कुभार कोई परेशानी होती थी, कोई डिस्प्यूट होता था, तो वो एक मीटिंग करते थे आपस में और उस डिस्प्यूट को सेटल करते थे, उसको सॉल्व करते थे. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे वो जो बुद्धा की तालीमात जो थी उनको लिखते थे. सम ऑफ देम ऑल्सो रोट ब्यूटिफुल पोइम्स डिस्क्राइबिंग दियर लाइफ इन द संघा. नाउ देयर वर सम पीपल हु यूज्ड टू राइट देयर एक्सपीरियंसेस इन द संघा. अब संघा में वो क्या करते थे, किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, उस बारे में वो लिखते थे. कुछ लोग पोइम्स भी लिखते थे. जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल, बट ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल दे स्टेड एट वन प्लेस. देयर फॉलोअर्स बिल्ट कच्चा शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज. तो ये इनके रहने सहने का तरीका जो था कि ये गाँव गाँव बस्ती बस्ती जाते थे. ये जो मॉन्क्स होते थे, चाहे जैना मॉन्क्स या बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पे लोगों को इस अपने धर्म की तालीम देते थे. दे यूज टू टीच द पीपल एंड फॉर दैट पर्पज दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बट ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल दे स्टेड एट वन प्लेस. तो बारिशों और ख़राब मौसम के ज़माने में ये किसी एक जगह रहते थे, ठहरते थे, और उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने इनके लिए कच्चा शेल्टर्स बनाए थे जो किसी बाग में होते थे या किसी हिली एरिया में जो नेचुरल केव्स वगैरह थी, तो ये उनमें रहते थे. उन केव्स को भी यूज़ करते थे ये रहने के लिए. व्हेन दे नीडेड पक्का शेल्टर्स दे बिल्ट मोनेस्ट्रीज. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम दे फेल्ट द नीड फॉर पक्का शेल्टर्स एंड फॉर दैट पर्पज दे बिल्ट मोनेस्ट्रीज. दीज बिल्डिंग्स वर मेड इन क्वाइट प्लेसेस. ये जो मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनाई, ये इन्होंने खामोश जगहों पर बनाई, उन जगहों पर बनाई जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता था, लोगों का आना जाना नहीं होता था, जहाँ इनको इत्मीनान और सुकून मिलता था. तो ऐसी जगहों पर, दूर दराज जगहों पर ये अपनी ये मोनेस्ट्रीज बनाते थे. दे बिल्ड देयर मोनेस्ट्रीज एट क्वाइट प्लेसेस फार फ्रॉम द क्राउड्स एंड ऑफन डिफिकल्ट टू रीच. यानी ऐसी जगहों पर ये बनाते थे जो क्राउड्स या बस्तियों से दूर जगहें होती थी और जो क्वाइट प्लेसेस होती थी, और ऐसी जगहों पर ये बनाते थे अक्सर जहाँ पहुँचना मुश्किल होता था, जहाँ पे लोग मुश्किल से ही पहुँचते थे. ये इसलिए कि असल में इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इनका जो एम था, वो ये था कि ये लोगों से अलग थलग रहें, इसलिए ये ऐसी जगहों पर इन मोनेस्ट्रीज को तामीर करते थे, बनाते थे. डियर चिल्ड्रन, देर आर मैनी मोनेस्ट्रीज इन जे एंड के एज वेल एंड वी विल रीड अबाउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टुडे वी कंक्लूड इट हियर. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.